स्वागत है आपका आदर्श हमारा टीवी में। मैं आपके साथ चंदा यादव। ऑल इंडिया मजलिस एताहुदुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला के बाद सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सीआरपीएफ के कमांडो हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देंगे। अधिकारी सूत्रों ने बताया है कि ओवैसी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीआरपीएफ कमांडो तैनात रहेंगे। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गुरुवार शाम करीब पिलखुवा के NH9 से छिजवारसी टोल प्लाजा पर दो हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। वहीं वारदात के बाद ओवैसी दूसरी कार में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मामले में यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि विस्तृत पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से इस घटना में 2 लोगों के शामिल होने का पता चला। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। एडीजी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल हथियार और एक कार बरामद की गई। गौरतलब है असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गुरुवार शाम करीब पिलखुवा के NH9 स्थित छिजवारसी टोल प्लाजा पर दो हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग कर दी। गनीमत रही किसी को गोली नहीं लगी। फिलहाल की खबरों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम खबरों को लाइक करें, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, आदर्श भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।